हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश एंड यू आर वाचिंग मोर फॉर बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, इस टाइम पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 750 करोड़ है, जिसमें से 200 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिसमें से 100 करोड़ लोग गेम खेलने के लिए पैसा पे करते हैं, जबकि 100 करोड़ लोग फ्री गेम खेलना पसंद करते हैं। 2017 में वीडियो गेम इंडस्ट्री ने 7 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। गेम्स को बनाने में कभी कभी महीने तो कभी कभी साल भी लग जाते हैं। वीडियो गेम इंडस्ट्री एक साल में 4 या 5 गेम लॉन्च करती है, जबकि उसमें से केवल 1 या 2 गेम सक्सेसफुल हो पाता है। कभी कभी वो गेम्स इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो 5 गेम होते हैं उनसे जो लॉस हुआ रहता है उनकी भी भरपाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें पैसा पे करना होता है। यदि हम 20-25 साल पहले की बात करें तो लोग गेम खेलने के लिए रिटेल से जाकर वीडियो गेम सीडी खरीदते थे और वो पैसा पर पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था। लेकिन 10-15 साल बाद इसमें काफी परिवर्तन हुआ। अब हम कोई भी गेम गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या ऐसे बहुत सारे ऐप है जहाँ से हम इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं और यह पैसा सीधे डेवलपर, डिस्ट्रीब्यूटर और एडवर्टाइजर के पास सीधा भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो गेम्स इंडस्ट्री 2 तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करती है। पहला परचेज बिजनेस मॉडल, जिसमें हमें गेम खेलने के लिए उसे परचेज करना पड़ता है। दूसरा है फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल, इसमें हम किसी भी गेम को फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं, जैसे कि है पबजी। अब फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल के 2 फीचर होते हैं। पहला है इन द ऐप परचेज, जब कोई भी यूजर किसी भी ऐप को डाउनलोड करके प्ले करता है, तो यदि वह किसी ऐप में एडिशनल फीचर यूज करता है, जैसे कि पबजी में कोई गन खरीदने के लिए पैसा यूज करता है जिससे पबजी की कमाई होती है। दूसरा जो फीचर है वो है एड रिवेन्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो गेम इंडस्ट्री में ज्यादा कमाई फ्री गेम से होती है, क्योंकि अधिकतर लोग फ्री गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि आप इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस पाना चाहते हैं या और भी किसी ऐप का बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें, हम उससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।